हेलो फ्रेंड, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो क्रिसमस का टाइम है, इस टाइम पे सभी को प्लम केक खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से प्लम केक बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, और जिनको केक बनाना नहीं आता है वो भी बहुत ही इजीली इस केक को बना पाएंगे। ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है, और जो भी हम इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो इजीली हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मन्नू महारानी किचन। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे मेरी लेटेस्ट रेसिपी की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए न्यू ईयर स्पेशल एंड क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल पे लिया है फ्रूट जूस, इसमें हम ऐड कर देंगे ब्लैक रेजिन्स एंड गोल्डन रेजिन्स, कैसिनेट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलमंड, ऐड कर देंगे इसमें पीनट, अब मैं ऐड करूंगी पिस्ता टूटी फूटी। इसमें आप जितने ज्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तो प्लम केक हमारा उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप पे जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उसे ऐड करिएगा। तो अब हम इसे एक घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे, जिससे हमारे जो भी रेजिन्स हैं वो बहुत ही अच्छे से जूस को एब्जॉर्ब कर लें। और जब हम केक को बेक करेंगे तो ये केक को बेक होते समय काफ़ी अच्छे से रिलीज होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं दो बर्बन बिस्किट के पैकेट, ये बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगे दुकान में। तो इस तरीके से आज हम बर्बन बिस्किट से केक बना रहे हैं, और जिनको प्लम केक बनाना नहीं आता वो भी बहुत ही ईजिली इस केक को बना पाएंगे। तो इस तरीके से हमें बर्बन बिस्किट ले लेने हैं। अब हमें इसे इस तरीके से बीच में से तोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैं दूसरे पैकेट को भी खोल लेती हूँ। तो इस तरीके से हम सारे बिस्किट निकाल लेंगे और इसे भी बीच में से हम तोड़ लेंगे। अब हमें इसे एक पाउडर फॉर्म में रेडी करना है। मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल के अब ग्राइंड कर लूंगी, तो हमारा प्रीमिक्स जो है वो बनके रेडी है। तो इस तरीके से प्रीमिक्स को हमें पाउडर फॉर्म में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्रूट जूस। तो फ्रूट जूस मैंने यहाँ पे एक कप करीब लिया है। तो आप देख रहे होंगे आज जो हम केक का बैटर रेडी करेंगे वो जूस से बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने दही भी यूज़ नहीं किया है और ना ही दूध लिया है। तो बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर पाउडर, इसे मैंने घर पर ही रेडी किया है, ये बहुत ही ईजिली बन जाती है। आप इसे ग्राइंडर जार में डाल के बस ग्राइंड कर लीजिए। शुगर पाउडर को जरा ध्यान में रख के ऐड करिएगा, क्योंकि जो बिस्किट है वो ऑलरेडी मीठे हैं और जो जूस है वो भी मीठा है। तो चलिए इसे अच्छे से विस्क की हेल्प से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ऑयल, तो मैंने ये 1 टेबल स्पून करीब ऑयल लिया है, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। और यहाँ पे मैंने लिया है पाइनएप्पल एसेंस, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे प्रीमिक्स को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच मिल्क पाउडर, आप चाहें तो रहने दीजिए, अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका एक टेस्ट आएगा। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी जो हमारा बैटर है वो थिक है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जिसे हमने जूस में सोक करके रखा था, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अगर आपका बैटर फिर भी थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या जूस ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसकी मैं एक बार आपको कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आपके बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट होगी तो आपका केक बेक होते समय बिल्कुल भी नहीं ब्रेक होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे, आप इसकी जगह बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैदे से हम इसमें डस्टिंग कर लेंगे। अगर आप बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑयलिंग और डस्टिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा।
तो हम सारा बैटर अब इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। अब मैं बैटर को डेकोरेट कर लूंगी। तो यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें काजू से इसे डेकोरेट करूंगी। अब मैं इसे डेकोरेट करूंगी बादाम से और ब्लैकबेरी से। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी टूटी फूटी। तो हमने यहाँ पे इसे अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो चलिए केक को बेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन को पहले से ही प्रीहीट करने रख दिया था। तो प्रीहीट मैंने 5 से 7 मिनट के लिए करा है। अब हम इसे बोल्ट को इसमें रख देंगे। अब मैं इसमें डेट लगा दूंगी। और जो केक है हमें इसे बेक करने के लिए 30 से 35 मिनट तक ही बेक करना है, क्योंकि जो बिस्किट है वो ऑलरेडी बेक है। तो इसे बेक करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो केक को बेक हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो केक अभी हमारा बेक अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसे थोड़ी देर हम और बेक करेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे ऊपर हैं। केसेस आपके ड्राई फ्रूट्स अगर नीचे चले जाते हैं तो थोड़ी देर आप केक को बेक होने दीजिए, उसके बाद आप दोबारा से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपका बैटर एकदम परफेक्ट है तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो केक को बेक हुए 35 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार हम टूथपिक की हेल्प से चेक करते हैं। तो देखिए गाइस, एकदम टूथपिक क्लीन है, तो इट मीन्स ये हमारा परफेक्ट है। अगर आपके टूथपिक में केक चिपकता है तो आप थोड़ी देर इसे और बेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम केक को अब थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक कपड़ा रख दूंगी। ये हल्का गीला है, ज़्यादा गीला नहीं रखना है। गीला कपड़ा रखने से जो केक है वो ड्राई नहीं होता है। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है, तो चलिए एक बार चेक करते हैं। तो बस अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक प्लेट लगा के इसे पलट देंगे और ऊपर से हमें टैप टैप करना है। तो देखिए गाइस, केक कितने अच्छे से हमारा बेक हो चुका है। मैं इसे आपको फ्रंट से भी दिखाती हूँ। तो देखिए, इतना इजीली हमारा प्लम केक बनके रेडी हो चुका है। और कितनी इंस्टेंट हमने ये बनाया है और कितना स्पॉन्जी सा, स्मूथ सा ये केक बनके रेडी हुआ है। चलिए मैं एक बार आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इतना सुपर्ब सा, स्मूथ सा हमारा केक बनके रेडी हुआ है। तो आप इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो इस क्रिसमस और न्यू ईयर में आप ये केक बनाइए और सबको खिलाइए। गाइस, मैंने पहले भी एक प्लम केक बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो आई होप आपको मेरे प्लम केक बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।